गुरु जी नमस्कार। खुश रहिए खुश रहिए। राधे राधे सभी दर्शकों को। आप सभी कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। गुरु जी, दर्शकों का सवाल है आज कि होलाष्टक क्या होता है, होलाष्टक के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो कृपा करके होलाष्टक के बारे में बताएं और 2021 में होलाष्टक कब से कब तक है ये भी बताएं। देखिए, होलाष्टक जो होती है ये होली के पूर्व पहले ही 8 दिन पहले लग जाता है, तो उस दौरान हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कोई अनुष्ठान है, कोई व्रत हमें उठाना है तो व्रत नहीं उठाएंगे पहली बार। कोई बड़ा कार्य करना है तो उस दिन हम शुरुआत नहीं करेंगे, मतलब कोई कार्य शुरू हम नहीं करेंगे। या जैसे मान लीजिए नौकरी पे ही पहली बार जाना हो या बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना होता तो होलाष्टक में शुभ नहीं माना जाता है, तो आप लोग शुभ कार्य होलाष्टक के दिन में नहीं करेंगे। और होलाष्टक में आप लोग अपने घर में, जैसे मान लीजिए किसी घर में हवन करना है, किसी घर में पूजा पाठ अनुष्ठान करना है या और भी कई सारी पूजा होती है, तो होलाष्टक के दौरान ना करें। जब होलिका दहन हो जाता है, अगले दिन होली रंग वाली जब आती है उसको समाप्त होने के बाद, फिर आप लोग शुभ कार्य करें, पूजा पाठ आरम्भ करें और नया कोई कार्य करना हो उसके बाद करें। इस बार होलाष्टक की जो तिथि है वो 22 मार्च को प्रारंभ होगा। 22 मार्च को होलाष्टक लग जाएगा और 29 तारीख तक रहेगा। फिर जब होली खेल लिया जाता है उसके बाद होलाष्टक समाप्त हो जाता है, फिर जो है अगले महीने का प्रारंभ हो जाता है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और आप बात करना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे लिखे गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो जानकारी लेना हो आप ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।